अब आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू कम। मिल्खा सिंह गिरा पड़ा है, उधर फेंट हो गया है, मगर कोच कह रहा है मिल्खा नहीं, हमने आपसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ाना है। क्या करना है? वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़वाना है, एक और लगाना पड़ेगा, एक और। हम उधर गिरा पड़ा है, वोमिटिंग हो रहा है, मगर बोल रहा है नहीं, एक और लगाना है, एक और लगाना है। तो उसके बाद वो हमको 10 दिन के बाद टेस्ट करता था कि मिल्खा सिंह ही वॉज रनिंग इन 47 सेकेंड लास्ट वीक, अब उसने टाइम इम्प्रूव किया है कि नहीं किया है। समझते हो कि नहीं? मैं बात इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि ऐसे दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं। आज बच्चों को बोलो कि हम आपका टेस्ट लेंगे 200 मीटर का, आप घबराते हो। अरे अरे, घबराते हो ना, ठीक बात है। 400 मीटर का टेस्ट लेना है, घबराते हो? नहीं घबराना चाहिए। अगर कोच बोलता है कि आज टेस्ट लेना है, आज 400 मीटर आप 50 सेकंड में दौड़ रहे हो, तो आफ्टर 10 डेज आप 49 में आए हो कि नहीं हो, या 49 पॉइंट समथिंग में आए हो कि नहीं आए हो। अगर नहीं आए हो तो काम करने का कोई फायदा नहीं। फायदा तब है, स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, ये तीनों चीज़ जब तक नहीं मिलेंगी तब तक बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। समझ गया कि नहीं? मिल्खा सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, वो उस तक वहाँ तक पहुँचा। हमारे ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, इसको मालूम है। कोचेज हमारे ज़माने में, एक कोच था मेरे साथ, उसकी मैं मिसाल देता हूँ, आज मैं उधर भी बताऊँगा। ये मैं मिसाल देता हूँ कि उसका मेरा रिलेशनशिप जो था ना, जैसे इस तरह से, जो वो कहेगा वो करना है, अगर नहीं किया तो कोच रोना शुरू कर देता था, हम मिल्खा कल ग्राउंड में नहीं आएगा, अगर आपने ये काम नहीं करना है हम कल ग्राउंड में नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों, मैंने आपको आज, मैं मिला इसलिए हूँ आके, कि आपने आज तक देखो, मैं इनको अभी कह रहा था कि 1947 से लेके आज तक इंडिया को आज़ाद हुए कितना देर हो गया, 70 ईयर्स के अंदर वी हैव नॉट गॉट इवन ब्राउन मेडल इन द ओलंपिक्स इन एथलेटिक, आई एम टॉकिंग अबाउट एथलेटिक। दूसरी गेम में तो बॉक्सिंग में ले लिया, रेसलिंग में ले लिया, बैडमिंटन में ले लिया, टेनिस में अच्छा कर दिया, शूटिंग में कर दिया, मगर एथलेटिक में अभी तक मेडल नहीं आया। हम सिर्फ 5-6 आदमी हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं मगर मेडल नहीं ले पाए। मिल्खा सिंह नंबर 1, पीटी उषा नंबर 2, अंजू जॉर्ज नंबर 3, श्री राम सिंह नंबर 4 एंड गुरबचन सिंह रंधावा नंबर 5। ये 5-6 आदमी हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं मगर इंडिया के लिए एथलेटिक में मेडल अभी तक नहीं आया। तो हम क्या होप कर रहे हैं? हम आप लोगों के ऊपर होप कर रहे हैं। आज एक हुसैन बोल्ट है जमैका का, जानते हो ना नाम, सब सुना है नाम सबने ना, एक हुसैन बोल्ट की वजह से सारे जमैका का, सारी दुनिया में नाम है कि जमैकन है, जमैकन है, जमैकन है। तो इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि इंडिया से कोई इंसान निकलना चाहिए, लोग कहें यस इंडिया भी है, इंडिया भी है एथलेटिक। ओलंपिक गेम के अंदर इंडिया जो है अभी तक कुछ नहीं कर पाया। ओलंपिक गेम के अंदर 230 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। आज मैं इनसे क्रिकेट की बात कर रहा था, क्रिकेट के अंदर 5-6 रन 6-7 कंट्रीज खेलती हैं रोज़, आज जीत गए आज हार गए, आज इंडिया जीत गया आज हार गया, मैच फिक्सिंग हो रहा है, काम चल रहा है सारा। नहीं, ऐसा नहीं, एथलेटिक में बन के दिखाओ, मुझे खुशी होगी इस बात। और मैं ये चाहता हूँ कि जो गोल्ड मेडल, मैं हमेशा जहाँ जाता हूँ ये कहता हूँ कि जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया इन रोम ओलंपिक में, आपको मालूम है ना कि मैंने रोम ओलंपिक से पहले कितना रेसेस दौड़ा, 80 इंटरनेशनल रेसेस इन 80 कंट्रीज एंड आई वन 77 बार तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है, मिल्खा सिंह विक्ट्री स्टैंड पे ऐसे खड़ा है, नंबर 1 पे खड़ा है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि आई एम इन 91 नाउ, मेरा एज 91 हो गया, हम हो सकता है 2 साल में 3 साल में दुनिया छोड़ जाएगा, मगर मैं जाने से पहले देखना चाहता हूँ कि जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, आप लोगों में से कोई आदमी उठे, मैं देख के जाऊँ, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, कोई भी है, एक तो मेडल लेके बताओ कि हमारा झंडा ऊपर जा रहा है नेशनल तुम बज रहा है, तो मुझे खुशी होगी इस बात। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ यही बात कहता हूँ कि एथलेटिक के अंदर अभी तक हम नहीं कुछ कर रहे।
पैसा है हमारे पास, स्टेडियम हमारे पास हैं, कोचेज हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, मगर मेडल नहीं आता। मेडल तब आएगा, मैं हमेशा आपके सामने कहता हूँ कि मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी ये कहा कि ऑल इंडिया स्कूल गेम्स होती हैं, वहाँ से बच्चे सेलेक्ट करो, कोचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि ये बच्चा 11 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है, हमें 9 सेकंड में चाहिए 4 साल के अंदर। ये आपकी जिम्मेवारी है देखना है कि कैसे लाना है उसको, फिर तो मज़े वाली बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो बच्चों मुझे बहुत खुशी है मैं आपसे मिला हूँ, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिल्म के बारे में तो कुछ नहीं पूछना। बोलो बोलो बोलो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, हैं ठीक है कि नहीं। हाँ तो अब आगे बढ़ना है, देखो अब ये लड़कियाँ दो आई हैं, मगर आपको जब आप ट्रेनिंग करती हो ना, जो 100 मीटर वाली लड़की हैं, जो 200 मीटर वाली लड़की हैं, आपको सब चीज़ सामने होनी चाहिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है उसका, हमने यहाँ पहुँचना है। और वो जो मैंने कहा है वो सब के सामने बोल रहा हूँ कि टेस्ट करना है अपने आप को हर वीक, हर 10 डेज के बाद, क्या मेरा नीचे आ रहा है टाइम के नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो क्या वजह है, व्हाट इज़ द रीज़न, स्टैमिना की कमी है, स्पीड की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, वो हमने पूरा करना है। समझ गया बात को? तो ये है, तो अब मैं चलूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखना था, क्योंकि मैंने इनको बोला आपने उस आदमी को कि मैं कंटेरवा स्टेडियम देखना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ दौड़ता था 51 में, पता नहीं आप कौन से जन्म में हों। कौन सा जन्म तो इसलिए तो आज आपसे मिले हैं, मुझे खुशी है। तो बच्चों मेहनत करो, आगे बढ़ो, वो हम बड़ी मुश्किल से अपने देश को हमने आज़ाद करवाया, बहुत मुश्किल से। अब मैंने तो आज़ादी देखी है ना, अंग्रेज़ों को किस तरह से भगाया हमने, कैसे शहीद ऊधम सिंह ने, कैसे शहीद भगत सिंह ने, कैसे राजगुरु ने, कैसे सुभाष चंद्र बोस ने, किस तरह से कितने उन्होंने अपने हिम्मत उन्होंने दिखाई, विल पावर दिखाई कि हम यहाँ से अंग्रेज़ों को निकालेंगे, वो करके दिखाया उन्होंने, मर गए, इंडिया को आज़ाद करवा दें। तो अब आगे बढ़, अब सारा जो है इंडिया डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, मैं आपको ये बता दूँ। और इंडिया में ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं, अगर कोई आदमी ये कहे कि टैलेंट की कमी है, मैं इस बात को नहीं मानता, अगर कमी है तो हार्डवर्क की और विल पावर की कमी। जिस दिन आप लोगों में विल पावर आ जाएगी कि आप कहें कि हम ये करके दिखाएंगे, उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती, ये मैं आपको बता दूँ। जितना एक इंडियन हार्डवर्क कर सकता है ना, मैंने देखा है, दुनिया का कोई और आदमी नहीं कर सकता, मगर हमारे लोग बच्चे जो हैं वो दिल छोड़ जाते हैं, दिल छोड़ जाते हैं, इसलिए वो रह जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ो, आज मिल्खा सिंह मिला है आपसे, तो आपने उन जो करके मिल्खा सिंह ने दिखाया है उन कदमों पे चलोगे तो आगे बात बनेगी, बदल नहीं बनेगी। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? क्यों बच्चों बोलो, ये लड़के भी खड़े हैं, ठीक है कि नहीं? आप आशीर्वाद कीजिए कि हम लोग अच्छा करें, आप आशीर्वाद कीजिए हम लोग। आशीर्वाद तो मेरा सारे हिंदुस्तान के साथ है, सारे हिंदुस्तान के साथ, अगर हिंदुस्तान अच्छा करता है तो हम प्राउड महसूस करते हैं कि हमारा देश अच्छा करके आया। तो मैं एथलेटिक की बात कर रहा हूँ, स्पेशली एथलेटिक में आप लोगों को आगे बढ़ना है और मेडल लेना। अच्छा, यू आर कर्नाटक सेक्रेटरी, वो पहले जो हुआ करते थे मेरे ज़माने में, वो बेचारे गुजर गए, सभी लोग पुराने वैसे गुजर गए। हाँ बहुत मलेश वो सभी थे। हाँ 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 हाँ। अच्छा मैंने सुना कि मुखिया का डेथ हो गया चार दिन के पहले। अच्छा चार दिन पहले, तो इधर वो मुझे अपने घर लेके गया था, उसका घर था वो उधर वो MG रोड के उस तरफ पर ली, चार पाँच दिन पहले। तो अच्छा क्या हुआ जी, किसको बोला है?